नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर इन्हें अंत तक ज़रूर देखिएगा। जी दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है, दोस्तों सुनते ही आप खुशी से उछल पड़ोगे। जी हाँ दोस्तों, आप शिविर के जून काल में अब ग्रहों की ऐसे ही स्थिति बनने वाली है। कुंडली में शाही उलट फेर होने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों आप शिविर के जून काल में अब बड़ा चमत्कार होगा, जिन्हें सुनकर आप शिविर के रोंगटे तो खड़े होंगे, लेकिन दोस्तों सच्चाई आपकी आंखों में आंसू ला देगा। और साथ ही आपको बता दें कि जो भी दुश्मन है, जो भी शत्रु है, यश में उनकी आंखों में आंसू आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दी कि यश में आपके जून काल में बहुत ही अच्छी खबर आपको प्राप्त होने वाली है, लेकिन दोस्तों कुछ विशेष बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। क्यों दोस्तों, जब ग्रहों की शुभ स्थिति बनती है, जब ग्रहों में शुभ योग का निर्माण होता है, तो दोस्तों हर राशि पर उनका शुभ प्रभाव होता है। और दोस्तों यश में भी आपके जून काल में शुभ प्रभाव होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों यश में कुछ अत्रु तत्माए वाले लोग जो आपके दुश्मन हैं, दोस्तों आपके ऊपर कुछ ऐसी क्रियाएं करने की चाह कर सकते हैं जिनसे आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे में करों की जहां शुभ प्रसिद्धि है, तो दोस्तों इनमें आपको थोड़ी सी सावधानी भी रखने की अत्यंत आवश्यकता होगी। जी दोस्तों, अगर आप वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुन लेंगे, तो दोस्तों आपके जून काल में जो खुशखबरी आपको मिलना है मिलकर ही रहेंगे, और जो आपके दुश्मन है वह हाथ मलते रह जाएंगे। कि दोस्तों उनके आंखों में यश में दुख के आंसू होंगे और आपके आंखों में खुशी के आंसू होंगे। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सभी के जून काल में अब बड़ा उलट फेर होगा, जिससे आपको अचानक से 5 शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह 5 बड़े शुभ समाचार कौन कौन से, जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जी दोस्तों, आप सभी से हमारा बस यही निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिख दें। भगवान भोलेनाथ का अशीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा और भगवान भोलेनाथ आपके शारीरिक कष्ट आने से पहले ही खत्म कर देंगे। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों एक अच्छे जीवन जीने के लिए इस दुनिया में हर व्यक्ति को पेशों की जरूरत होती है। वहीं आपको बता दें कि पेशे से ही इंसान की हर इच्छा पूरी होती है। हर व्यक्ति की यही चाहत होती है उनके जीवन काल में हर सुख सुविधा हो, जिनके लिए वह मेहनत करता है, जिनके लिए वह दिन रात एक करता है। वहीं दोस्तों आपको यह भी बता दें कि हमारे देश में बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं और चाहते हैं कि जो भी हमारे रुके हुए कार्य हैं वह पूरे हो जाए, जो भी रुके हुए पेशे हैं वह जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए पेशा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दिलाना चाहते हैं, एक लग्जरी कार खरीदना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, एक आलिशान बंगला बनाना चाहते हैं, या फिर पूरे समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको बस एक ही चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वह है पेशा। जी दोस्तों, इस दुनिया में बस पेशों का ही खेल है। पेशों के बल पर आप कोई भी बड़े से बड़े कार्य को आसानी से कर सकते हैं, जहां लोग लाइनों में खड़े होते हैं। अगर आपके जेब में पेशे हैं, तो उन लाइनों को आप चुटकी में पार कर सकते हैं। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अब भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली है। आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन का अच्छा सफर शुरू होने वाले हैं, लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह ज्योतिषियों का भी मानना है कि बंद किस्मत का ताला अब खुलने वाली है। जी हाँ, आपकी कुंडली में अब अचानक से बड़ा उलटफेर हुआ है, जिनकी वजह से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। अब आने वाले दिनों में आप सभी का किस्मत का पूरा साथ मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, आपके जीवन में धन से संबंधित कोई भी परेशानी चल रही है, समस्त परेशानियां अब चुटकियों में खत्म हो जाएगा और आपके पेशे से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी, सभी कार्य पूरे होंगे। आप सभी को बता दें कि आप लोगों की दाम्पत्य जीवन में पहले से ज़्यादा मधुरता आएगी। तो दोस्तों, अब आगे वीडियो में बहुत ही
गंभीर बात करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आगे बात करेंगे आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन को लेकर। स्थिति में आप कौन कौन सी बड़ी चमत्कार होने वाले हैं, कौन कौन सी बड़ी 5 खुशखबरी है जो आपको अगले 24 घंटों के अंदर मिलने वाली है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आइए बात करते हैं। दोस्तों यश में दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से प्रारंभ होगा। मित्रों या फिर सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अकेले ही कार्यों को उचित अंजाम यश में देने में सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में दिन के दूसरे पक्ष में सावधान रहने की आपको आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि अचानक कोई मुसीबत आपके सामने खड़ी हो सकती है तथा व्यर्थ के कार्यों में भी कुछ समस्याएं व्यतीत होगा। दोस्तों ध्यान रखें कि कभी कभी अति आत्मविश्वास तथा अहम आपके बनते कार्यों में भी रुकावट डाल सकता है, तो दोस्तों इनसे जरूर सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों मौज मस्ती की तरफ अधिक ध्यान रहने की वजह से महत्वपूर्ण काम भी पीछे रह सकते हैं। दोस्तों काम संबंधित बातों में आपको अभी रस नहीं आएगा, फिर भी दोस्तों जिन कामों को डेडलाइन आ रही है उन काम की तरफ जो है अवश्य ध्यान देना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि अधिक जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से मन में आपका तनाव बढ़ रहा है जिससे आप बार बार भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दिन की शुरुआत में कुछ मुश्किलें सामने थोड़ी थोड़ी आ सकती है, परंतु दोस्तों आप अपने आत्मविश्वास व फिर दृढ़ निश्चय द्वारा उनका समाधान भी आसानी से ढूंढ लेंगे। दोस्तों धार्मिक कार्यक्रम में जाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली यश में बनाने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि अनावश्यक खर्चों की स्थिति यश में बनी रहेगी। अपने बजट का भी आप ध्यान जरूर रखें। दोस्तों किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता यश में रह सकती है। विद्यार्थियों को भी कंप्यूटर संबंधी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अपने दायरे से बाहर निकलकर नए लोगों के साथ संपर्क जोड़ने की आप कोशिश करते रहें। दोस्तों आपको नए मित्र बनाने की अधिक आवश्यकता है। इसके उपरांत दोस्तों बता दें यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आयात निर्यात संबंधी व्यवसाय में कुछ नुकसान होने की भी स्थिति बन रही है, इसलिए दोस्तों अभी निवेश ना करें और सावधानी बरतें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। किसी भी व्यवसाय की यात्रा को अभी स्थगित ही रखना आपके लिए उचित होगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी विदेश संबंधी कोई उपलब्धि भी यश में हासिल हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे। आपको बता दें कि ग्लैमर या फिर कला सौंदर्य और प्रसाधन आदि से जुड़े जो भी व्यक्ति है उनके व्यवसाय में मन मुताबिक उपलब्धि भी हासिल होंगी, परंतु कर्मचारियों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र अवश्य रखें यश में। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों आपको बता दें यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे। विवाहित संबंधों में गलतफहमियों को लेकर कुछ तकरार उत्पन्न हो सकती है। अपने रिश्तों के प्रति जो है ईमानदार रहें, व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूरियां बनाकर ही रखें या फिर इनसे बचकर रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे। आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से उमंग और खुशी भरा माहौल रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे। दोस्तों यश में पति पत्नी के संबंध तो उत्तम रहेंगे ही और आपका घर पर भी और व्यवसाय पर भी उचित सामंजस्य यश में बना रहेगा और इनसे दोस्तों आप परिस्थितियों को बेहतर दिशा में ले जाने में भी कामयाब रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों किसी किसी समय मानसिक तनाव बढ़ सकता है। शांत रहने का प्रयास करें तथा मेडिटेशन में भी कुछ समय अवश्य व्यतीत करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि एसिडिटी व फिर कब्ज जिससे शिकायत रह सकती है, तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें, ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे। स्वास्थ्य अंत में ठीक होगा, परंतु दोस्तों सिर्फ अत्यधिक तनाव के कारणों से आपको अपना बचाव करना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होंगे और इनसे अपने स्वास्थ्य को आप बहुत अच्छे तरीके से संभाल भी पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा गुलाबी और भाग्यशाली अंक रहेगा 5।